सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई में दगड़ू दादा का किरदार निभाने वाले प्रवीण तारदे का क्या कहना है फिल्म को लेकर, चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मुझे फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, यूजर नेम है rjankur_ig। आपको बता दूं, प्रवीण तारदे जी जो है वो मराठी फिल्मों में एक बढ़िया बहुत बेहतरीन डायरेक्टर के तौर पर भी जाने जाते हैं। एक्टिंग तो करते ही हैं और काफी थॉट प्रोवोकिंग फिल्म बनाते हैं। उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने राधे क्यों की और राधे करने के बाद क्या रिएक्शन था उनके फैंस का। आपको बता दूं कि ये राधे में नजर आए थे एक लोकल गुंडे के तौर पर, दगड़ू दादा के तौर पर, और सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए थे। प्रवीण ने बताया कि जब उन्होंने ये फिल्म की राधे, तो उसके बाद उनके फैंस काफी अपसेट थे और उन्होंने कहा कि आपने प्रवीण भाई इतना छोटा रोल क्यों किया, आप तो इतने बड़े स्टार हैं, आप लीड रोल्स करते हैं मराठी फिल्मों में, तो आपने इसमें इतना छोटा रोल क्यों किया। तो इस पर प्रवीण जी कहते हैं कि देखिए, मैं तो छोटे रोल कर करके ही यहां तक पहुंचा हूं, इस स्तर तक पहुंचा हूं, और दूसरी बात यह है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं सलमान खान के साथ वाकई काम करना चाहता था, उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये काम किया। और सलमान भाई के साथ काम करने का एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा है। मैं बतौर इंसान उनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत कनेक्टेड फील करता हूं, इस तरीके से उन्होंने कहा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि मैं मसाला फिल्में ना बनाता हूं ना देखना पसंद करता हूं, लेकिन ये सलमान खान के लिए करना था इसलिए कर दिया। ये भी वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इस तरीके की फिल्में नहीं बनाता हूं, नहीं करना पसंद करता हूं, बट दिस वॉज फॉर सलमान खान और बाकी तो मैं अपनी फिल्में बनाता ही रहूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने राधे की और क्यों उनके फैंस अपसेट थे। हालांकि अब उनके फैंस को भी जवाब मिल गया होगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।